हेलो दोस्तों, ये हुआ है हमारा पिज्जा तैयार। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी फुल रेसिपी कि मैंने इसे घर में किस तरह से कढ़ाई में तैयार किया है। ये वेज पिज्जा, इसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई जो ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और इसमें मैंने लेयरिंग की है, नमक की जो सॉल्ट होता है हमारे खाने वाला, उसकी मैंने इसमें लेयरिंग की है। और उस लेयरिंग पे मैंने एक छोटी कटोरी को रखा है और उसके ऊपर मैंने एक नॉन स्टिक की पैन लेकर और ये मार्केट के जो बेस होते हैं पिज्जा बेस, उसको रखा है ऑयलिंग करके ताकि वो स्टिक ना हो पाए, उसकी जो नीचे की लेयर है वो नॉन स्टिकी रहे। अब इस पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ टोमेटोज एंड अनियन और कैप्सिकम एंड सम पनीर पीसेस। आप चाहें आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये लास्ट कॉर्नर में जो है इसके अराउंड, वो वहाँ जाके वेजिटेबल्स सिक्स ना हो पाए। और मैंने इस पे नमक स्प्रिंकल कर दिया था और जो काली मिर्च का पाउडर होता है और रेड चिली फ्लेक्स होते हैं, इस तरह से उसके फ्लेक्स को मैंने इसमें स्प्रेड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको ढकने जा रही हूँ। ये इस कढ़ाई का ढक्कन है, इसको मैं 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर अप करके रख रही हूँ। तैयार किया था वो ये पिज्जा बनकर रेडी हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं बटर मेल्ट हो गया है। कितना आसान और कितना इजी वे में ये घर में बन गया है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड जो भी कमेंट हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आफ्टर